सुप्रभात। आज हम धोरण 9 विषय हिंदी गद्य पाठ एकांकी नाट्यांश स्वराज की नेम विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो यह एकांकी एक नाट्यांश है उस नाट्यांश को देखेंगे जो इसमें के अंदर किस चीज की चर्चा की गई है। अपने इस स्वराज की नींव में लक्ष्मीबाई की मैंने भूमिका 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय में लक्ष्मीबाई ने त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। जो स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज के नींव के पत्थर जिनके ताप क्या तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर के जनमानस में देश प्रेम का नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यहां लक्ष्मीबाई इस एकांकी में चात्या मुंदर जूही रघुनाथ राव सेना इतने एकांकी के अंदर पात्र को रखा गया है। इसमें मैन भूमिका के रूप में लक्ष्मीबाई तात्या वगैरह इन सबका यह है देख रहे 1857 में की जो बात है वहां लक्ष्मीबाई प्रथम शब्द में कहती है देखते ही देखते क्या हो गया जूही से कहे जो देखते ही देखते ये सब क्या हो गया इसके विषय में जो झांसी कलापी ग्वालियर कहाँ गई परंतु मंजिल है झांसी है कालपी है ग्वालियर है इन सब के ऊपर विदेशियों ने जब कब्जा किया इनके आंखों के सामने में तो उस समय में लक्ष्मीबाई जूही से बोल रही है परंतु कहते हैं जो घबराने की बात नहीं है अभी मंजिल के पास आकर भी हम भी हर बार दूर चली जाती है स्वराज के आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण में मार्ग में हिमालय अट जाता है। दूसरे ही क्षण में जो स्वराज की संभावना को दर्शाती है लेकिन कुछ ही पलों के बाद कुछ ही देरों के बाद में जो है कुछ ही समय के बाद जो है वो हिमालय जैसे अट जाता है। उस प्रकार से उसे पास करती हूँ हिमालय को अपने कोशिश प्रयत्न से उसको पार करती हूँ तो उसके बाद क्या होता है जो महासागर डरावनी लहरें ऊपरे मारने लगते महासागर जो एकदम छलांग मारने लगते इस प्रकार से उसे दृष्टि हो तो नाविक हो जाता है और उस समस्या से जब मैं निकलती हूँ बाहर तो देख रही है लक्ष्मीबाई जितने नाविक है वह सब सो गए जिस महासागर को पार करके वह बाहर निकल आई है तो उसके पास में वो अर्चन नहीं करता है तो वहाँ नाविक जो है अर्थात नाविक से क्या समझते हैं नाविक अर्थात उनके जो सेनापति है सेना वगैरह जो है यह सब जो है सो जाते हैं और उधर चित्र पर देखो कैसे कि लपटाती हुई लपटती होती है सारा आकाश उन घटनाओं से छाया हुआ है प्रलय की भूमिका में लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है कौन ऐसो आराम में मशगूल है तो राज साहब की बात करते हैं और आते सहसा मौन हो जाती है जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है
जैसे ही जो कुछ कहना चाहती है तो महारानी उसके मुंह को जैसे कि तैसे बंद करते और वह बोलती है, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। जूही से लक्ष्मी बाई कहती है, जो मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, जो झांसी को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर विदेशियों के हाथ में नहीं जाने दूंगी, लेकिन वह अपने हाथ से बेहाथ हो गया है, नहीं झांसी हाथ से। फिर भी मनोबल मजबूत करते हुए कहती है, जो नहीं झांसी हाथ से नहीं दिखती है, मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर मैं दूंगी नहीं, मैं अकेले ही, लेकिन अकेले ही झांसी को अब ले करके रहूंगी। इस प्रकार से लक्ष्मीबाई कहती है, जो वो वहां पर उनकी जो सखी के रूप में जूही है, जूही कहती है, महारानी आप अकेली नहीं, आपको गीता पढ़ती है, फिर यह निराश होने की क्या जरूरत है, जब गीता जैसे कर्म प्रधान जो है, वैसे गीता का जब आप अध्ययन कर रही है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर आऊंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि कुछ दिन बाबा गंगा दास ने मुझसे क्या कहा? वो गंगा दास की गंगा के जो गुरु हैं, लक्ष्मीबाई के जो गुरु हैं, वो गुरु जी का जो कथन है उन सबों को याद करती है, वहां गुरु के सामने में दोहराती है। जब तक हमारे समाज में, हमारे इस समाज के अंदर जब तक छुआछूत, ऊंच नीच आदि का भेदभाव मिट नहीं जाता, ये सब जो है समाज के अंदर इस प्रकार की जो प्रथा है, जो ये छोटे जाति का है, ये बड़े जाति का है, ये उच्च खानदान का है, ये नीच खानदान का है, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़ नहीं सकते। जब तक ये इस चीज को अपने मन से हटाएंगे नहीं, तब तक हम विलासता में डूबे रहेंगे। ये हट जाने के बाद हम विलास को क्या देंगे, विलास संबंधी हमारे मन के अंदर कुछ रह जाए और जन सेवा में लग जाएंगे, तब तक स्वराज नहीं, जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक हम अपने राज्य को स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इस भेदभाव को हटाना, मन से हटाना चाहिए, और तपस्या और बलिदान से हमें स्वराज की प्राप्ति होगी। उसके लिए तो जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि। पुनः वहां पर जूही याद दिलाती है, जो बाबा गंगादास जी ने ये भी कहा था, जो स्वराज प्राप्ति से बढ़कर के है स्वराज के लिए सुंदर भूमि तैयार करता। स्वराज का नीम पत्थर बनना सफलता और असफलता देवता के देवों के बस सही में, स्वराज के लिए नीम स्वराज का जैसे कोई अपने भवन बनाते हैं, भवन बनाने के लिए जब बनाना प्रारंभ करते हैं तो उस भवन के लिए नीम के अंदर मजबूत से मजबूत ईंट को रखते हैं, उसको हर प्रकार से संपूर्ण इमारत का भार उसी के ऊपर टिका हुआ रहता है, और उसमें हमें बेचारा नहीं चाहिए जो हम सफल होंगे कि असफल होंगे, इन चीजों को हमें त्याग देना चाहिए। केवल भगवान जो गीता के अंदर कहते हैं, जो कर्म नेवाधारस्ते, तुम केवल कर्म करते अधिकारी हो, फल तो ईश्वर देंगे, जैसा कर्म करोगे उस प्रकार का फल मिलेगा। इसमें तात्या, जूही, मुंडा आदि सब पात्र हैं, और ये लोग जो है
कर्म योग करते हुए इलाज में हुए हुए हैं, ब्रह्म भोजन में लगे हुए हैं, ब्राह्मणों को खिलाने में लगे हैं, अनेक अनेक प्रकार के मिठाइयों और भोजन इत्यादि समारंभ रख करके अपना जलसा मना रहे हैं। इस पर लक्ष्मी बाई हताश होती है, लेकिन वहीं फिर संभल करके कहती है, जो किसी भी कीमत पर हम अपने स्वराज में